हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, उसकी सीरीज के अंदर पहले भाग के अंदर चार इंस्ट्रूमेंट को मैं डिटेल यहाँ पे बताने जा रही हूँ। यहाँ पे हम डील करेंगे सिम्स स्पेक्युलम, एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, यूट्राइन क्यूरेट एंड कस्कोस स्पेक्युलम। सबसे पहले हम समझेंगे सिम्स स्पेक्युलम के बारे में। सिम्स स्पेक्युलम जो है ये डबल ब्लेडेड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर होता है। दो ब्लेड इसके अंदर होती है, एक हैंडल होता है और यहां पर जो दोनों ब्लेड होती है ये अनइक्वल साइज की होती है। एक नैरो सक्रिय होती है और एक चौड़ी होती है। नैरो जो ब्लेड होती है ये जो नली पैरस वोमेन होती है, यानी प्रीवियसली अगर उसने कोई भी वजाइनल बर्थ नहीं दिया है तो उसके अंदर यूज करते हैं, और जो वाइड ब्लेड होती है इसको मल्टी पैरस वुमेन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि एक बार वो डिलीवर कर चुकी है और कई बार कर चुकी है तो उस कंडीशन में जो ओपनिंग होती है वो वाइड हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं वाइड ब्लेड। तो दोनों जो ब्लेड है वो अनइक्वल साइज की होती है और बीच में होता है हैंडल। बीच में यहाँ पर इसका कॉनकेव ग्रूव होता है, एक डिप्रेस्ड एरिया होता है ग्रूव। ये कई सिक्रेशन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से सिक्रेशन रिलीज हो रहे हैं वो इस ग्रूव के जरिए बाहर रिलीज होते हैं। ये जो रिट्रैक्टर होता है ये पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। ओके, तो इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम सर्विक्स और वजाइना को प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकते हैं और उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि डिलीवरी के दौरान अगर कोई इंजुरी हुई है तो उसका पता लगाया जा सकता है। और कई प्रोसीजर्स करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, लाइक हिस्ट्रोस्कोपी है। वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करके हम एक कैथेटर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और यूट्रस को विजुलाइज कर सकते हैं हिस्ट्रोस्कोपी के जरिए। HSG हिस्ट्रोसेल्फिंजियोग्राफी, जिसके अंदर अगेन हम वॉल को रिट्रैक्ट करके एक डाई को हम इंजेक्ट कर सकते हैं कैन्यूला के जरिए, और फिलोपियन ट्यूब पेटेंट है यानी उसके लिए हम HSG के लिए जो प्रोसीजर यूज किया जाता है उस पर भी हम वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। एंड IUCD यानी जो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइसेस होती है, कॉपर टी के इंसर्शन, उसको इंसर्ट करने के लिए और उसके रिमूवल के लिए भी हम वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए सिम्स स्पेक्युलम को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम सर्जिकल मेथड से MTP करना चाह रहे हैं, जिसमें डायलिटेशन या क्यूरेटेज या फिर डायलिटेशन और इवैक्यूएशन अगर करना है, सर्विक्स को डायलेट करके अगर हमको यूट्रस को क्यूरेट करना है, तो उस कंडीशन में भी वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए सिम्स स्पेक्युलम को इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्वाइकल कैनाल से अगर हमको स्मियर लेना है, अगर उसका कलेक्शन कलेक्ट करना है, मतलब सर्विक्स से अगर हमको सैंपल लेना है लाइक पैप स्मियर, तो उसमें भी हम रिट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर सपोज एमनियोटिक मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो गई है एक्सीडेंटली, लेकिन एकदम से गश ऑफ लिकर एमनाई बाहर नहीं आया है, ओनली स्लाइट रप्चर हुआ है, तो उस कंडीशन में भी प्रॉपर सर्विक्स को विजुलाइज करने के लिए वॉल को रिट्रैक्ट किया जा सकता है। तो छोटे या बड़े अगर गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स अगर करने हैं तो इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड अगर इसके साथ में वेसिको वेजाइनल फिस्चुला है, यानी ब्लैडर और वेजाइना के बीच में अगर ओपनिंग है और अगर हमें उसे देखना है, तो उसके लिए भी हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए रिट्रैक्ट कर सकते हैं और पूरी तरीके से उसको देखा जा सकता है। तो ओवरऑल इस इंस्ट्रूमेंट का जो यूज है वो वजाइनल वॉल को, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। और सेम इसी तरीके से एंटीरियर वजाइनल वॉल जो होती है ये इस सिम्स स्पेक्युलम के साथ में इस्तेमाल की जाती है कई प्रोसीजर को करते वक्त। जितने भी मैंने अभी प्रोसीजर मेंशन किए हैं उन सारे प्रोसीजर में एंटीरियर वजाइनल वॉल का इस्तेमाल करते हुए पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करते हुए ओवरऑल ओपनिंग जो है उसको वाइड करते हैं, स्पेस को बढ़ाते हैं, उस जगह को ज्यादा ब्रॉड करते हैं, चौड़ा करते हैं, एंड देन प्रोसीजर्स किए जाते हैं। जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा, ये है एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर जो होता है ये एक लॉन्ग मेटालिक इंस्ट्रूमेंट है, लंबा शाफ्ट होता है इसके अंदर एंड दोनों के टिप पे फेनेस्ट्रेशन होते हैं, ऐसी ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, ऐसे छेद होते हैं जो बड़े साइज में होते हैं और दोनों के यहाँ पर ही ट्रांसवर्स सिरेशंस होते हैं, इस तरीके से ट्रांसवर्स लाइंस बनी हुई होती हैं, और दोनों जो ये ओपनिंग्स हैं, दोनों जो एंडिंग है ये एंगल्ड है, मतलब घूमी हुई है, ठीक है, दोनों एक ऊपर की ओर है तो एक नीचे की ओर है। तो हम सिम्स स्पेक्युलम के साथ में
एंटीरियर वजनल वॉल को भी अगर हमें रिट्रैक्ट करना है तो उसके साथ में हम इस तरीके से यूज करते हैं, पोस्टीरियर वजनल वॉल रिट्रैक्ट करेंगे एंड एंटीरियर वजनल वॉल। सो ये भी रिट्रैक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन ये एंटीरियर वजनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए पोस्टीरियर वजनल वॉल रिट्रैक्टर के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। तो जितने भी इंडिकेशन मैंने अभी मेंशन किए सिम स्पेक्युलम के लिए, सेम उन सारे प्रोसीजर में एंटीरियर वजनल वॉल रिट्रैक्टर को भी यूज किया जाता है, ठीक है उसका, क्योंकि ओवरऑल हमको सर्विक्स और वजाइना को देखना रहता है और प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। एंड ये सारे सर्जरीज और माइनर प्रोसीजर्स जो हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये है एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। नाउ एक और जो रिट्रैक्टर होता है, जो कि अगर इन दोनों रिट्रैक्टर को हमें यूज नहीं करना है तो उसकी जगह पे हम जो दूसरा रिट्रैक्टर यूज कर सकते हैं वो क्या है, दैट इज कस्को स्पेक्युलम। कस्को स्पेक्युलम के अंदर क्या होते हैं, इसमें भी दो ब्लेड्स होती है, दीज आर द ब्लेड्स, और इनके अंदर जो स्पेस होता है ये कॉनकेव स्पेस होता है और ये होता है हैंडल। तो यहाँ पे जो दोनों ब्लेड है, ये एक ब्लेड एंटीरियर वजाइनल वॉल को और दूसरी ब्लेड जो होती है पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज की जाती है। नाउ इसका फायदा ये होता है कि सबसे पहले तो हमको इसको दोनों ब्लेड्स को क्लोज करके वजाइना में इंट्रोड्यूस करना होता है, एंड देन जितना हमको विजुअलाइज करना है उसके हिसाब से हैंडल को हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ पे स्क्रू से हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। सो सबसे बिगेस्ट एडवांटेज इस रिट्रैक्टर का ये होता है कि ये सेल्फ रिटेनिंग है, यानी इसको असिस्ट करने के लिए मैनुअली पकड़ने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने देखा सिम्स स्पेक्युलम और जो एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है उसको दोनों को होल्ड करना पड़ता है, होल्ड करके रखना पड़ता है, पकड़ के रखना पड़ता है जब तक कि प्रोसीजर ना हो जाए। लेकिन एक बार अगर ये कस्को स्पेक्युलम को अगर फिक्स कर दिया जाए स्क्रू से तो ये सेल्फ रिटेन रहता है, यानी दोबारा से ये प्रेस नहीं होता है। सो इजीली बिना किसी असिस्टेंट के हम इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। नाउ इंडिकेशन क्या है कि इसमें भी सारे वो सारे प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं जो कि हम सिम्स और एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर के इस्तेमाल के साथ में कर सकते हैं। लाइक अगर मेम्ब्रेन रप्चर हुई तो उसके लिए कर सकते हैं, पैप स्मियर लेना है तो उसके लिए कर सकते हैं, हिस्टरोस्कोपी कर सकते हैं, माइनर कुछ सर्जरीज कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज इसका यह है कि इसमें जो अवेलेबल स्पेस है वो उतना नहीं रहता है जैसा कि उन दोनों रिट्रैक्टर के यूज से रहता है। सो स्पेस अवेलेबल जो हो रहा है वो थोड़ा कम होता है, बेटर विजुअलाइजेशन ढंग से हम इसमें नहीं देख पाते हैं। एंड इसी के साथ में अगर हमको कुछ भी एंटीरियर या पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को अगर विजुअलाइज करना है, उसे देखना है, तो ये बाधा क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये वॉल को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। सपोज अगर वेसिको वजाइनल फिस्टुला है तो हम यहाँ पर विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से ये ब्लेड वॉल को कवर कर लेती है। तो ये है कस्कोस बाई वॉल सेल्फ रिटेनिंग स्पेक्युलम। ओके, चौथा इंस्ट्रूमेंट जो है इसे यूट्राइन क्यूरेटेज बोलते हैं। यूट्राइन क्यूरेट और कई बार एंटीरियर वजाइनल वॉल दोनों में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस क्यूरेट के अंदर ये भी यहाँ पे एक लॉन्ग मेटल शाफ्ट होता है एंड इसका जो हैंडल है वो लॉन्ग है इसी की तरह, लेकिन यहाँ पर जो ओपनिंग्स हैं दोनों एंगल पे, दोनों एंड पार्ट पे, वो कैसी है, छोटी है कंपेरेटिव टू एंटीरियर वजाइनल वॉल। फेनेस्ट्रेशन इसमें स्मॉल होते हैं और इसमें जो सीरेशंस हैं, ऐसे सीरेशन क्यूरेट के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं, ऐसे सीरेशंस यहाँ पे नहीं होते हैं। सो दिस इज यूट्राइन क्यूरेट, स्मॉल फेनेस्ट्रेशन होते हैं, छोटी ओपनिंग होती है और सीरेशंस नहीं होते हैं, लेकिन दोनों एंडिंग अलग अलग होती है, एक ब्लंट होती है एक शार्प होती है। ब्लंट जो है ये ऑब्स्ट्रेटिकल प्रोसीजर्स में किया जाता है, जैसे कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज हम करते हैं MTP मेडिकली, अगर हमको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना होता है, अबॉर्शन जब करना होता है, इंड्यूस अबॉर्शन, इसके अंदर हम जो एंड यूज करते हैं वो रहता है ब्लंट एंड, क्योंकि प्रेग्नेंट यूट्रस जो होती है वो सॉफ्ट होती है और सॉफ्ट यूट्रस के अंदर जब स्क्रैपिंग करते हैं, उसको खुरोचते हैं, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस और ज्यादा होते हैं और डैमेजेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ब्लंट एंड हम यूज करते हैं प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर जब हम डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज प्रोसीजर करते हैं तब। शार्प एंड जो होता है ये गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स के लिए रहता है, जिसके अंदर एबनॉर्मल अगर हैवी ब्लीडिंग है तो उसके लिए स्क्रैपिंग इस शार्प एंड से की जाती है। सो ऑलवेज ब्लंट एंड हमें प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर ही यूज करना है। सो यूट्राइन क्यूरेटेज जो है ये डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज प्रोसीजर के लिए मेनली यूज किया जाता है।
सो दिस इज यूट्राइन क्यूरेट। तो यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हमने फोर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स को समझा, जिसमें देखा था सिम स्पेक्यूलम, एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, यूट्राइन क्यूरेट एंड कस्कोस स्पेक्यूलम। नाउ नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेली समझेंगे। थैंक यू।